बात उन दिनों की है जब एक्टर अपना नाम बदलकर फिल्मों में काम किया करते थे, चाहे दिलीप कुमार हो या फिर मधुबाला। इन्हीं में से एक अभिनेत्री हैं मंदाकिनी, जिन्होंने राम तेरी गंगा मैली फिल्म में बोल्ड दृश्य देकर सनसनी मचा दी थी। इस फिल्म को लगभग 37 साल हो गए हैं, लेकिन नीली आंखों वाली मंदाकिनी को लोग आज भी राम तेरी गंगा मैली से ही जानते हैं। लेकिन सबके बाद भी वो अचानक से फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। क्या हुआ उनके करियर को सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आप तक नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। 30 जुलाई 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मी मंदाकिनी का वास्तविक नाम यास्मीन जोसेफ था। मंदाकिनी के पिता ब्रिटिश मूल के थे तो वहीं उनकी माँ कश्मीरी थी। आपको बता दें, मंदाकिनी के 2 भाई और 2 बहन हैं, जिसमें एक भाई भानु जोसेफ की शादी गुलशन ग्रोवर की पूर्व पत्नी फिलोमिना से हुई है। साल 1990 में इन्होंने मर्फी के चाइल्ड मॉडल रहे कग्यूर टीरिन पोचे से शादी की। कग्यूर टीरिन पोचे बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और ये ही उनके गुरु बने। इन्होंने ईसाई धर्म से बदलकर बौद्ध धर्म अपना लिया। इस शादी से उनके एक बेटा रबील जोसेफ और एक बेटी राबजा इनाया है। इन्होंने फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग की और बहुत सारे फोटोशूट में काम भी किए। 1981 में आई फिल्म बेताब और 1983 में आई फिल्म लावा में इन्हें ऑडिशन के दौरान रिजेक्ट कर दिया गया था। 1986 में आई फिल्म मजलूम इनकी पहली फिल्म थी, लेकिन निर्देशक सीपी दीक्षित इनका नाम बदलकर माधुरी करना चाहते थे, जिसके चलते फिल्म में देरी हुई और ये फिल्म सिनेमा घरों में साल 1985 के बजाय 1986 में आई। लेकिन इसी दौरान अभिनेता निर्देशक राज कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में ले लिया और उनका नाम यास्मीन जोसेफ से बदलकर मंदाकिनी कर दिया। राज कपूर अपनी फिल्म के लिए एक नॉर्थ इंडियन लड़की को अपनी अगली फिल्म के लिए ढूंढ रहे थे। इसके बाद मंदाकिनी की मुलाकात राज कपूर से हुई। जब उन्होंने यास्मीन का स्क्रीन टेस्ट लिया तो उस रोल के लिए वो राज कपूर को पसंद आ गई और उन्होंने फौरन उन्हें अपनी फिल्म में लेने का फैसला कर लिया। इस तरह यास्मीन को फिल्म राम तेरी गंगा मैली में गंगा का किरदार मिल गया और यहाँ से यास्मीन जोसेफ मंदाकिनी हो गई। हिंदी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने राम तेरी गंगा मैली, आग और शोला, प्यार करके देखो, प्यार मोहब्बत, हिसाब खून का, तकदीर का तमाशा, जोरदार। इसके अलावा उन्होंने बंगाली फिल्मों में भी काम किया है, जैसे अंधा विचार, अंतरेर भालोबाशा और तेलुगु फिल्म सिंहासनम, भार्गव रामदू इत्यादि। इसी दौरान साल 1986 में बप्पी लहरी ने एक म्यूजिक एल्बम निकाला था डांसिंग सिटी के नाम से, जिसमें भारतीय गायिका नाजिया ने गाने गाए थे। लेकिन बाद में बप्पी लहरी और नाजिया के बीच लड़ाई के बाद ये गाने मंदाकिनी और बप्पी लहरी ने गाए थे। साल 1990 में उन्होंने अपनी सेक्रेटरी अजीत दीवान और अभिनेता आदित्य पंचोली के साथ प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। पार्टनर्स की अनबन के चलते इन्होंने वो प्रोडक्शन हाउस छोड़ दिया। इनकी जिंदगी में अचानक से एक मोड़ आया और उनका करियर तबाह हो गया। 1994 में लीक हुई एक फोटो में मंदाकिनी दाऊद के साथ नजर आई थी, जिसके बाद वो अचानक ही बॉलीवुड के गलियारों में दाऊद की गर्लफ्रेंड बनकर छा गई। खबरें यहाँ तक आई कि दाऊद के चलते ही कई फिल्मों में मंदाकिनी को लिया गया, कोई उन्हें दाऊद की पत्नी तो कोई रखेल कहने लगा। बदनामी शुरू हुई तो काम मिलना बंद हो गया, फिर मंदाकिनी ने गाना शुरू किया। उन्होंने 2 एल्बम निकाले, नो वैकेंसी और संभाला, दोनों बुरी तरह पिट गए। हालांकि एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने कहा था, मुझे समझ नहीं आता कि दाऊद के साथ मेरा नाम कब तक जुड़ता रहेगा, कई बार मैं कह चुकी हूँ कि दाऊद से कभी मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। जब उन्होंने अभिनय की दुनिया से मुंह मोड़ा तो धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने लगी। उन्होंने ईसाई धर्म से बदलकर बौद्ध धर्म अपनाया। उनके पति ही उनके गुरु बने। उनके पति मर्फी रेडियो के चाइल्ड मॉडल के रूप में नजर आए थे। 26 सालों के बाद मंदाकिनी म्यूजिक एल्बम माँ ओ माँ से फिर अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देखी हो तो उसमें जो सोनाक्षी सिन्हा का किरदार है वो मंदाकिनी के जीवन पर ही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक आप चैनल पर उपलब्ध अन्य पुराने वीडियो भी देखें।